छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी के संपादक कॉमरेड सौरा यादव, मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के संपादक कॉमरेड जय, दिल्ली एनसीआर रीजन जो है यहाँ का संपादक है कॉमरेड विमल त्रिवेदी, कॉमरेड बाबूराम शर्मा उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के संपादक और झारखंड के संपादक है कॉमरेड वशिष्ठ तिवारी। सारे वक्तागण जो हमारा वेबिनार है ये वेबिनार में भाग लेंगे। और ये आज के दिन में आप लोग जानते हैं कि जब जो लॉकडाउन और कोरोना के संक्रमण के समय भाकपा माले रेड स्टार के ये कोशिश है, हमारा जो पत्रिका है, हमारा जो डिजिटल पत्रिका है, इसको मेहनत कर जनता, इसको भारत के जनता के पास लेकर जाने के लिए हमारा जो वक्तव्य है, आज के देश का जो स्थिति है, ये स्थिति पर नए नए जब इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं, उसके हमारा पार्टी का वक्तव्य लेके जाने के लिए डिजिटल विक्री का प्रकाश हो रहा है। तो इसमें अभी पहले प्रधान वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पार्टी के साधारण संपादक कॉमरेड के एन रामचंद्रन। मैं अभी कॉमरेड के एन रामचंद्रन को इसमें ये जो ये हमारा पत्रिका विमोचन के अवसर पर अपना वक्तव्य रखने के लिए कॉमरेड के एन रामचंद्रन। कॉमरेड के एन रामचंद्रन हेलो कॉमरेड सुनील, कॉमरेड केएन राम केएन के लाइन पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद, पता नहीं कॉमरेड देखते फोन करके। आप तो आप शुरू कर लीजिए। अच्छा, कॉमरेड केएन रामचंद्रन का लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कॉमरेड केएन रामचंद्रन बाद में आएंगे, तो शुरू में तब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कॉमरेड सुहिल देव को। कॉमरेड सुहिल देव भाकपा माले रेड स्टार की धन्यवाद कॉमरेड शंकर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, धन्यवाद आप सभी का। आज हम यहाँ पर भाकपा माले रेड स्टार के जो डिजिटल मुखपत्र है जन दिशा मेहनतकशों की आवाज, इसके विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर हम वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस पत्रिका के लिए, ऑनलाइन पत्रिका के लिए सतत हम लोगों को प्रेरणा देने वाले कॉमरेड के एन रामचंद्र हमारे महासचिव, इसके अलावा इस पत्रिका के संपादक मंडल के साथी कॉमरेड विजय, कॉमरेड सौरा, कॉमरेड उमाकांत, कॉमरेड विनय ने इस पत्रिका के डिजिटलाइजेशन में बहुत मेहनत किया है, कॉमरेड रितांश, कॉमरेड बाबूराम शर्मा, कॉमरेड विमल त्रिवेदी जी, कॉमरेड वशिष्ठ तिवारी जी और सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि पिछले 100 से भी अधिक दिनों से ये जो कोरोना जो सर्वदेशी महामारी है, जो कि पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था की कोख में जन्म लिया है, दुनिया का कोई भी छोर ऐसा नहीं है जो इससे बचा हुआ है। और इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के द्वारा ये जो मानव निर्मित ये जो महामारी है, इसका भीषण मार पूरी दुनिया के मेहनतकशों के साथ साथ हमारे देश के गरीब आम जनता और वंचित वर्गों पे पड़ा हुआ है।
और हमारे देश के का जो शासक वर्ग है, जो फासिस्ट कॉरपोरेट शासक वर्ग है, जो संघ परिवार के मार्गदर्शन में चलता है, ये मोदी का प्रशासन, ये मोदी जो राज है, ये जूनियर पार्टनर है अमरीकी साम्राज्यवाद का। तो जाहिर है कि पूरे दुनिया में जिस तरीके से अमरीकी साम्राज्यवाद जनता पर अत्याचार कर रहा है, अपने पूंजीवादी साम्राज्यवादी लूट को बढ़ा रहा है और उस पर अंबार लगा रहा है, हमारे देश का जो जूनियर पार्टनर है वो उस कोरोना की महामारी के जो आपदा है इसको अवसर में बदलने का प्रयास कर रहा है। प्रयास क्या कर रहा है, या उसको अवसर बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो आका है कॉरपोरेट, ये कॉरपोरेट का तलवा चाटते हैं और अंबानी अडानी देशी विदेशी सारे कॉरपोरेट के हित में इन्होंने किसी भी जनता जनता के किसी भी हिस्से को, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे वंचित वर्गों के लोग हो, उन पर इतना अत्याचार किया है कि आज ये त्राही त्राही बचा रहे, जनता त्राही त्राही कर रही इनके राज में। निजीकरण की बयार आ गई है, इन लोगों ने इस आपदा में देश को बेचने का पूरा षड्यंत्र किया है, टुकड़े टुकड़े के रूप में देश में रेलवे कोल ब्लॉक सब चीज बेच रहे हैं और पूरा मार जो है संकट का मार जनता के ऊपर में आ रहा है। जनता के बदहाली से निकालने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है, नहीं ये कुछ सोचते हैं। जब जनता गरीबी भुखमरी बेरोजगारी शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग को उठा रही है, जनता कह रही है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, हमको पीपीई उपकरण मिलना चाहिए, हमको कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास दवा होनी चाहिए, तब ये लोग, क्योंकि जनता सवाल खड़ा कर रही है, तो जनता से ध्यान बांटने के लिए ये कभी चीन से कभी पाकिस्तान से ये युद्धोन्माद की लहर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रवाद के नाम पर जो उत्पाद है उनका समस्या है, वो सारे समस्या अलसुलझी है और जनता आज इस इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। जब जनता के पास, मेहनत कशों के पास उनकी आवाज को उठाने के लिए लेनिन की आवाज में मुखपत्र और साहित्य ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ऐसे मुखपत्र जो जनता के बीच में जनता को संगठित करने का काम कर रहे, जनता को क्रांतिकारी आंदोलन की दिशा में आगे ले जाए। तो साथियों, इसीलिए बहुत दिनों से ये सोच थी और पार्टी की केंद्रीय कमेटी का भी मार्गदर्शन रहा है कि हमको एक डिजिटल मुखपत्र निकालना है हर साप्ताहिक रूप से, और ये जन दिशा डिजिटल मुखपत्र अस्तित्व में आया है और आज ये पत्रिका को हम सारे साथियों को भेज देंगे और सभी साथियों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इसको प्रचारित साथी करें। हमारी कोशिश यह है, आप देख सकते हैं कि इस पत्रिका में पूरा जो फासिस्ट मोदी राज के खिलाफ 3 जुलाई का जो प्रतिरोध दिवस मनाया गया और जो कि आंदोलन का एक शंखनाद किया गया तमाम समान विचार वाले साथियों को लेकर, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और जनवादियों साथियों को लेकर, उसकी रिपोर्टें हैं। इसके साथ साथ समसामयिक लेख हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ अमरीका से लेकर भारत तक, रंगभेद नस्लभेद और दमन के खिलाफ, उसकी रिपोर्टें हैं। कुछ सैद्धांतिक लेख भी भविष्य में हम आपके सामने देंगे। और इस तरीके से हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये मजदूरों, किसानों, मेहनतकशों, दलितों, आदिवासियों और वंचित वर्गों की आवाज बन पाए। ये आवाज साथियों तभी बन सकती है जब हिंदी भाषी राज्य के जो हमारे साथी हैं, हमारी पार्टी कमेटियां हैं, इस ऑनलाइन वीकली को जनता के बीच में ले जाए और सबको प्रेरित करें कि वो अधिक से अधिक संघर्ष का समाचार भेजें। जिस तरीके से लेनिन की पत्रिका इस्क्रा में मजदूर खुद अपने संघर्ष का समाचार लिख के भेजते थे, अपने पत्र भेजते थे, अपने लेख भेजते थे, उसी प्रकार से हमको कोशिश करनी है कि जन दिशा, जो कि मेहनतकशों की आवाज हमने नाम रखा है, ये कोई सैद्धांतिक मुखपत्र ना होकर वास्तव में भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों के मेहनतकशों का एक मुखपत्र बने, उनकी आवाज बने। और इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप जानते हैं कि यह पहला प्रयास है, प्रवेशांक है और इसमें बहुत सारी त्रुटियां होंगी, स्वाभाविक है, और आप सबके मार्गदर्शन से हम उन त्रुटियों को स्वीकार करके हम आगे जाएंगे और हम पत्रिका के स्तर को बेहतर बनाएंगे। और आप सबसे लगातार आंदोलन के संघर्ष की रपटे आमंत्रित हैं। आपके सुझाव, आपके विचारों का स्वागत है। जनदिशा भारत के मेहनतकशों के का वैचारिक संसाधन बन पाए, एक आंदोलन का मुखपत्र बन पाए, यही हमारी कोशिश है साथियों। और इस पत्रिका को निकालने का महत्व यही है, लेकिन पत्रिका तभी चल सकती है जब आप सबका सहयोग मिले।
मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदी भाषी राज्य के पार्टी के कार्यकर्ता हमारे मेहनत का साथी और जनता सबसे इस पत्रिका के लिए मार्गदर्शन सहयोग शुभकामनाएं अपेक्षित है। आप सबको बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन। और हमारे ये जो हमारा सफर है, हम इस फासिस्ट राज के खिलाफ लड़ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और साम्राज्यवाद पूंजीवाद फासिस्ट राज के खिलाफ लड़ते हुए जनवाद और समाजवाद की ओर कूच कर रहे हैं। इसमें एक छोटा सा प्रयास सार्थक हो आप सबके प्रयास से, यही हमारी कामना है। साथियों आप सबको बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन और इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड सुहिल देव को। अभी कॉमरेड के एन रामचंद्रन का टेक्निकल प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है। हम लोग कॉमरेड के एन रामचंद्रन के साथ कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश जारी है। प्रतीक्षा है कि बहुत जल्दी हम लोग उनके साथ कांटेक्ट कर पाऊंगा। तो इस बीच कॉमरेड सौरभ यादव, मैं आमंत्रित करूंगा छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी के संपादक कॉमरेड सौरभ यादव। कॉमरेड सबसे पहले मैं हमारी जो केंद्रीय कमेटी का जो मार्गदर्शन था पिछले समय से हमें लगातार इस ऑनलाइन पत्रिका निकालने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे थे, और साथ ही साथ हमारे जो संपादकीय मंडल के जो साथी हैं और जो सहयोगी साथी हैं, उन तमाम साथियों के सहयोग से आज जन दिशा हम निकालने में सफल हुए हैं। साथ ही कोविड-19 महामारी की स्थिति दिन प्रतिदिन अत्यंत गंभीर होती जा रही है। जिन्हें चुने देशों को छोड़कर कहीं भी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया, जिसके चलते आज मरीजों की संख्या और मरने वाले की संख्या तेजी से बढ़ते जा रही है। आरएसएस बीजेपी के नेतृत्व वाली कॉरपोरेट फांसीवादी मोदी सरकार मेहनत कर जनता पर नए नए अध्यादेश और कानून बनाकर ताबड़तोड़ तरीके से हमले कर रही है। निराशाग्रस्त भूखे लोगों को मुफ्त राशन और भत्ता देने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी पैकेज या कोई भी प्रयास सही मायने में, जबकि के बारे में हम बात कह रहे हैं कि एफसीआई में लाखों टन अनाज है, जबकि एफसीआई गोदामों में 40,000 टन अनाज इनकी लापरवाही के चलते सड़ गए हैं, इस मुहिम में सड़ गए हैं, लेकिन हमारे जो गरीब मेहनत कर जनता को इसका फायदा नहीं मिला। इस मुहिम में हम आप सब लोगों का सहयोग की आशा करते हैं। आज जो नव उदारवादी नीतियों के चलते फांसीवादी हमले तेज होते जा रहे हैं, और इन हमलों को चुनौती देने की सख्त हमें जरूरत है, अन्यथा प्रतिक्रियावादी फांसीवादी ताकत वर्तमान परिस्थिति का फायदा उठाकर बचे कुचे जो भी लोकतांत्रिक अधिकार है उनको भी कुचलने का हर तरीके से प्रयास कर रही है। इसलिए हमें अपने क्रांतिकारी लेखन के माध्यम से सुनियोजित आक्रमण का जो मुहिम है, हमको सड़क के साथ साथ हमें अपने पत्रिका के माध्यम से, अपने वेबिनार के माध्यम से और अभी जो जनदिशा ऑनलाइन के माध्यम से भी हमको इसको चलाने की जरूरत है। हिंदी भाषी राज्यों के साथ साथ और दिगर हमारे जो राज्यों के जो प्रमुख साथी हैं, तमाम जनवादी और देश प्रेमी जो जनता है को इस मुहिम के साथ हमको जोड़ने की जरूरत है। सभी राज्य अपने अपने राज्य का जो रिपोर्ट है हमें ईमेल के माध्यम से पूरी तैयारी के साथ अगर हमारे पास भेजते हैं तो हमें ये जो जन दिशा को निकालने में बहुत आसान होगा। ये बहुत अच्छा प्रयास था कि हमको बंगाल के साथियों ने जिस तरीके से अपना जो ऑनलाइन शुरू किया उससे हमको भी एक हिम्मत हुई कि नहीं, हम भी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हमें बाकी राज्यों में भी हमको इस दिशा, इस तरीके का एक प्रयास हमको करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके का परिस्थिति है, ये जो सरकार चाह रही है कि हम सड़क पे मत निकले और घर में कैद होके पड़े रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, और उसके आड़ पे लगातार नए अध्यादेश कानून का रूप दे रही है और ताबड़तोड़ तरीके से जनता के ऊपर हमला कर रही है। तो इसलिए आज हमारे सामने में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जो ऑनलाइन को हम लोगों ने इसको जो प्रारंभ किया है, इसमें जितने भी हमारे जो सहयोगी साथी हैं, जो संपादकीय के मंडल के अलावा जो सहयोगी साथी हैं, उन तमाम साथियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि
कि हम इसको निरंतर तरीके से कैसे लोगों तक, लाखों लाखों जनता तक कैसे हम अपनी आवाज को लेके जाए, उसके लिए एक माध्यम हम लोगों ने तय किया है कि जन दिशा के माध्यम से इसको हम पूरे देश के अंदर करोड़ों लोगों तक इसको पहुंचाने का हमको एक कार्य को आगे ले जाना है। ये तभी सफल हो सकता है जब हमारे सभी जो राज्य के जो राज्य सचिव, जो हमारी एक बड़ी कमजोरी है, कमजोरी को कैसे हम दूर करेंगे, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए खास करके हमारे जो राज्य सचिव और वहां के जो हमारे जिम्मेदार जो साथी हैं वो इस जिम्मेदारी को लेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी मदद करेंगे। तो साथी निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य को करने में हमारी पुनः केंद्रीय कमेटी और बाकी जो साथियों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि इस जो मुहिम को हम और आगे सब लोग के सहयोग से लेके जाएंगे और इस तरीके से हम अपना जो जन दिशा है इसको हम जनता तक धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। जैसे कॉमरेड तुहिन ने कहा, पहला अंक है, बहुत जल्दी में हम लोगों ने इसको प्रयास किया है, उसके अंदर मैंने देखा है लगभग 20 पेज का है और उसमें कई सारे छोटा मोटा त्रुटि हो सकता है, लेकिन हम इस त्रुटियों से घबराएंगे नहीं, उसको सुधारते हुए आने वाले दिनों में इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम आने वाले दिनों में और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड सोहरा को, कॉमरेड सोहरा यादव अपना वक्तव्य रखे हैं, कॉमरेड सोहरा को धन्यवाद। हमारा जो हिंदी डिजिटल वीकली पत्रिका जन दिशा मेहनत कसों की आवाज के विमोचन आज हो रहा है, उसी का अवसर पर आज का वेबिनार हमारा चल रहा है। हमारा हमारे साथ है हमारे पर फिर याद दिला दे कॉमरेड के रामचंद्रन, भाकपा माले रेड स्टार की साधारण संपादक, कॉमरेड सुनील देव, कॉमरेड सोहरा यादव छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी के संपादक, कॉमरेड सीजय मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के संपादक, कॉमरेड विमल त्रिवेदी डेली एनसीआर के संपादक, कॉमरेड बाबूराम शर्मा उत्तर प्रदेश के संपादक और कॉमरेड बतीस तिवारी झारखंड के संपादक। कॉमरेड के रामचंद्रन के साथ अभी भी हमारा कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा है, इस बीच एक बार फिर हम लोग देख ले कि कॉमरेड केन रामचंद्रन लाइन में आ रहा है कि नहीं। कॉमरेड केन है क्या लाइन में? सुनता है? हाँ, वॉइस आ रही है आपका। हाँ, आपका वॉइस आ रही है लेकिन शायद आपका वीडियो में। मैं बोल दूंगा, वॉइस छोड़ दीजिए, ऐसे फोटो छोड़ दीजिए, फोटो दूसरा डाल दीजिए आप। ठीक है तो हम अभी कॉमरेड केन रामचंद्रन को आमंत्रित कर रहा हूँ। कॉमरेड केन रामचंद्रन का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनका वीडियो नहीं ऑपरेटेड आएगा के अभी अपना वक्त को रखने के लिए। कॉमरेड केन रामचंद्रन भाकपा माले के साधारण संपादक। साथियों मेरा आवाज आ रहा है? हाँ कॉमरेड आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रहा 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 है। साथियों ये मेरा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स है, अभी आज के दिन में भाकपा माले रेड स्टार का हिंदी में जो साप्ताहिक ऑनलाइन भी पब्लिकेशन जन दिशा का शुरुआत हो रहा है, इसका प्रकाशन करने में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे लेकिन आज कितना कमजोरियां होने के बावजूद हमने इसको निकाला है। मेरा प्रतीक्षा है आने वाले दिनों में ये पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका हम लोग निरंतर पब्लिश करने में सफल होंगे। साथियों एक कम्युनिस्ट आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में पत्रिका का महत्व जो है हम लोग अपने इतिहास से सीखा हुआ है इसका महत्व। जैसे जब रशिया का क्रांति हो रहे थे,
और क्रांतिकारी संघर्ष में पत्रिका का रोल क्या है, इसको स्पष्टीकरण करते हुए लेनिन ने बोला, पत्रिका संघाटक होता है, एक कम्युनिस्ट पार्टी का संघाटक होता है पत्रिका, इसलिए सब साथी जो है पत्रिका का प्रचार में पत्रिका का संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए, करना चाहिए। उस समय इस तरह का पब्लिकेशन किया था, आप देख लीजिए 100 साल पहले जब रूसी क्रांति का संघर्ष चल रहे थे, इस तरह का पब्लिश किया था, उसको काफी रुकावट को सामना करना पड़ेगा, तब भी उस जमाने में इस तरह का लाखों करके कॉपी निकाल करके मजदूर साथी और बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक लोग जो है जनता के बीच में बांटते थे, और इसकरा रूसी क्रांति का अक्टूबर क्रांति का एक महत्वपूर्ण संघाटक का काम किया। इसको विश्लेषण करके लेनिन ने काफी बार बार कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मीटिंग्स में भी इसके बारे में बार बार बोलते थे, आपको पत्रिका के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जनता को शिक्षित करना चाहिए, जब तक जनता को शिक्षित नहीं करेंगे आपका संदेश जनता तक नहीं पहुंचेंगे, वो क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि लेनिन जो बोल रहे थे उस समय भी जो शासक वर्ग जो है साम्राज्यवादी वर्ग जो है वो पूरे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपना विचारों का प्रचार बहुत मजबूत तरीके से करते थे, लेकिन मेहनत कश जनता का आवाज जो है बहुत कम बाहर आते थे, उनके टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल नहीं था, उनका आर्थिक समस्या थे, ये सब कारण जो है वो सारा प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ता था। तब भी जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ये भी कोई भी देश में जो कम्युनिस्ट पार्टी शुरू करता है उनको ये पत्रिका के बारे में प्रकाशन के बारे में उसके महत्व के बारे में काफ़ी जो है प्रेरणा दिया है। और साथ साथ जो है उस समय जब सोवियत यूनियन थे उस समय खास करके 1950 तक हम लोग देख सकता है पूरा विश्व में अलग अलग भाषा में मार्क्सवादी किताब को निकालने पब्लिश करके सब देश में पहुंचाते थे, और जो शुरुआती कम्युनिस्ट पार्टी का शुरुआती काम लोग शुरू किया स्टार्ट कर रहे थे उस समय इसको बहुत मदद मिला हमको हर देश में, जैसे भारत में जो मुख्य भाषाओं के अंदर सब जो है उधर से अनुवाद करके पत्रिका ये सब मार्क्स एंगल्स लेनिन स्टालिन का किताब सब जो है और मार्क्सिस्ट विश्लेषण सब जो है हमको मिलते रहे, और उस तरीके से ये प्रेरणा मिल रहे थे और साथ साथ उनको मदद भी मिल रहे थे हम लोग। और सोवियत यूनियन बहुत सारा काम किया, इवन 1990 तक सामाजिक साम्राज्यवादी होने के बावजूद भी थोड़ा कुछ जो है वो समाजवादी दिखाने के लिए कुछ पत्रिका जो है पब्लिश। अरे भाई पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं ले लिया उसका स्पेस कर रहा हूं। हां सुन रहे अच्छा सुनते नहीं है, मतलब यहां पे कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं ये बोल रहा हूं बैठो क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं मेरे को दिक्कत, कॉमेंट तू ही ना आपका माइक बंद कीजिए, कॉमेंट तू ही ना आपका माइक बंद कीजिए, आप बोलिए कॉमेंट कॉमेंट कैन ये जो उसके बाद जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जब समाज चीन में जो क्रांति होने के बाद उन्होंने भी काफी पत्रिका को पब्लिश किया है, उन्होंने भी काफी और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिटरेचर कम्युनिस्ट पार्टियों को देने के लिए प्रयास किया उन्होंने, और ये इसी तरह जो है ये जो प्रेरणा जो मिल रहे थे उसके साथ अलग अलग राज्य में जो कम्युनिस्ट पार्टी बना था पत्रिका बनाने के लिए पत्रिका निकालने के लिए और सैद्धांतिक और राजनीतिक विषय जो है जनता के बीच में ले जाने के लिए प्रयास किया था। लेकिन 1960 का दशक के बाद खास करके जो मार्क्सवादी लेनिनवादी आंदोलन उनका अपना जो शुरुआती में जो गलतियां थे उसके कारण जो विघटन का दिशा में चला गया, अलग अलग ग्रुपों में विभाजित हो गया, उसमें ऐसा स्थिति हो गया ये पत्रिका सबका महत्व जो है बिल्कुल चला गया, और अभी भी ऐसा कैसा ग्रुप है वो ग्रुप बोल करके जिंदा है लेकिन उनका कोई पत्रिका नहीं होता है, कोई सैद्धांतिक राजनीतिक विषय का अपना विचार को लेकर के जनता के बीच में जाता नहीं है। ये जो स्थिति है इसे हमको सीखना पड़ेगा, आम एक गलती हो गया इसे हमको सीखना होगा। अभी हमारा एक अनुभव है, हम लोग शुरुआत से
शुरुआत हमने जब शुरू किया था सीआरसीसी पेमल करके हमने शुरुआत किया था, तभी हम लोग जो है इंग्लिश में मास लाइन बोल के पत्रिका और हिंदी में राष्ट्रीय मुक्ति बोल के हिंदी पत्रिका निकाला दिल्ली से। और 1981 में हमने दिल्ली में हिंदी राष्ट्रीय मुक्ति और इंग्लिश मास लाइन पत्रिका से हम लोग काम शुरू किया था दिल्ली में। उसके बाद जो चलते चलते और हम लोग जो 87 के बाद CPML रेड फ्लैग के नाम से हम लोग जो काम कर रहे थे, तब हम लोग जो है रेड स्टार हिंदी और इंग्लिश हम लोग प्रकाशन शुरू किया था। और तब से 87 से आज तक जो है हम लोग रेड स्टार जो है पत्रिका प्रिंटिंग करके हर महीने पब्लिश किया है, एक ही महीना जो है वो पब्लिश नहीं कर सका। लेकिन अभी आप जानते हैं अभी कोविड के कारण जो है जो प्रेस सब बंद है, तो इसलिए हमारा प्रिंटिंग नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग ऑनलाइन पत्रिका पब्लिश निरंतर पब्लिश कर रहा है, ऑनलाइन आपको मिल रहा है। और अभी नया स्थिति में नए तरीके से हमको सोचना पड़ेगा, नए तरीके से काम करना पड़ेगा। उसमें एक चीज हमको बोलना है, देखिए हमारा जो दुश्मन जो है पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था, बहुत सारा चीज में वो लोग हमको जो है पराजित किया है वर्तमान स्थिति में। अभी पब्लिकेशन का दिशा में देखिए, वो ठोस स्थिति का ठोस विश्लेषण करने में वो बहुत उस्ताद है, बहुत जल्दी जल्दी अपना विश्लेषण करके करके अपना हित में विश्लेषण करके करके आगे बढ़ता है और उसके अनुसार कितना सारा पत्रिका निकलता है और कितना सारा किताब निकलता है। हर पहलू में जो है किताब निकाल करके पत्रिका निकाल करके वो बहुत हमलावर तरीका ले रहा है। जैसे सब सोवियत यूनियन जब थे तो सोवियत यूनियन में छोटा कुछ कठिनाइयाँ हो गया, प्रॉब्लम हो गया और उसको बड़ा चढ़ा करके इतना प्रचार करते थे और इतना सारा कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार करते थे, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका का जासूसी संगठन जो है उसका मदद से जो है पूरा विश्व में अलग अलग भाषा में जो है कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार करने में वो लोग काम करते थे, वो बहुत संगठित तरीके से। हम उसको सीखना चाहिए जैसे दुश्मन काम कर रहा है। अभी भी देखिए ना, अभी जो हमारा सीमा में जो संघर्ष हो रहा है और इसमें कल भी जो है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ट्रंप क्या बोल रहा है, ये कम्युनिस्ट चीन जो है पूरा विश्व में कम्युनिस्ट विचारों को प्रचार करने के लिए विस्तारवाद कर रहा है, तो ये विस्तारवाद नहीं चलेगी। मतलब सोवियत वर्तमान चीन के बारे में हमने कितना भी प्रयास करके जो कुछ सैद्धांतिक संघर्ष करके आज का चीन समाजवादी चीन नहीं है, ये समाजवाद का नाम से है लेकिन काम पर साम्राज्यवादी है, स्थापित करने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किया है और वो कुछ दूर तक जो है हमारा प्रचार चला भी है। लेकिन अभी भी है जो तथाकथित कम्युनिस्ट खेमा के अंदर कई संगठन है, ये मजबूत संगठन बोल सकता है CPM के नेतृत्व में जो वामपंथी संगठन, अभी ML का खेमे में जो लिबरेशन जैसे संगठन, ये सब अभी जो है अपना पुराना विचारों को बदलते हुए है। ये सामाजिक साम्राज्यवादी चीन को भी अभी समाजवादी अभी भी बोल रहा है और इसको भी इस्तेमाल करके, और चीन ने जो समाजवाद के बारे में जो फालतू बात करता है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, चाइनीज स्वभाव का समाजवाद बोल करके जो साम्राज्यवाद को लागू कर रहा है, ये सबको ऐसा नहीं है अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक मालूम नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन सब जानने के बाद भी वो लोग ऐसा जो है छूट मूट प्रचार करता है ताकि जनता को जो है कंफ्यूज करेगा, ये प्रयास चल रहा है। और ये प्रयास के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, हमारा पत्रिका और साथ साथ जो है हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। अभी 1947 के बाद ये 70 साल में हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन हो गया हमारे सामने है, और ये परिवर्तन को ठोस स्थिति ठोस विश्लेषण करने में असफलता होने के कारण जो है कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को क्या क्या प्रॉब्लम सामना करना पड़ा, ये भी हम लोग के सामने है। और ये जो विषय के बारे में कैसे चर्चा आगे ले जाएंगे, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके का विकास हो रहा है और साम्राज्यवादी पूंजी और टेक्नोलॉजी और मार्केट सिस्टम के कब्जे में ये नव उदारवादी नीति के बाद खास करके कितना तेजी में जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो परिवर्तन सब जो है जनता को कैसे समझाएंगे। मतलब अभी दुश्मन भी जो है प्रगतिशील बात करके चुनावी राजनीति को मजबूत करने के लिए अपना प्रगतिशील बात करता है, गरीब जनता के लिए बात करता है। प्रधानमंत्री मोदी भी जो है गरीब
कल्याण योजना के नाम से 5 किलो गेहूं देकर के या चावल देकर के जनता को जो है कंफ्यूज करने के लिए प्रयास करता है। मतलब ये सब गरीब के नाम से काम करने का वादा करता है, लेकिन क्या कर रहा है हमको मालूम है। ये सब कैसे हम जनता के बीच में ले जाएंगे, प्रचार करेंगे? हमारा अनुभव क्या है? हमारा अनुभव के आधार पर हमको अभी ये ऑनलाइन पत्रिका को आगे रखे जाना चाहिए। हमारा अनुभव जो है, हम लोग रजिस्ट्रार जो है छापते थे, और छापने के बाद भी हम लोग देखा है जब ग्रास रूट लेवल में हमारा कैडर कम होने के कारण हमको स्क्वाड बना करके रजिस्ट्रार हम वितरण करने में, प्रचार करने में असफल रहा। तो इसलिए हम लोग जो है कितना प्रयास करने के बाद भी जो है प्रिंटिंग करके निकालने के बाद, हम कितना भी प्रिंटिंग करने के तैयार है, 5,000-10,000 प्रिंटिंग करने के भी तैयार है, लेकिन मुश्किल से कुछ 1,500-2,000 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। क्योंकि हमारा जो ग्रास रूट में कैडर नहीं है, जब तक ग्रास रूट में कैडर नहीं है, इसको लेकर के गांव में जाएंगे, जनता के बीच में बैठेंगे, पढ़ करके सुनाएंगे और उनको प्रेरणा प्रेरित करके उनको खरीदने का अवस्था में उनको पहुंचा देंगे, संगठन बनाएंगे, ये सब करने से जो है पत्रिका जनता के बीच में जाएंगे। अगर इसकरा का विकास तो ऐसा ही हो गया था, इसकरा में इसका का प्रचार में सब साथी लोग लगा था, लेकिन भी जो है इसकरा को लेकर के मॉस्को का स्ट्रीट में उतर करके इसको बांधने में लगा था। ऐसा अनुभव है कम्युनिस्टों का, लेकिन आज हम लोग देखा है रजिस्ट्रार प्रिंटिंग करने के बाद भी हम लोग जनता के बीच में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमारा संगठन जो है नीचे का लेवल में कमजोर है। अभी साथ साथ हम लोग देख रहे हैं क्या, अभी टेक्नोलॉजी का विकास तो हो रहा है, और टेक्नोलॉजी का विकास के कारण जो स्मार्टफोन तो आ गया, अभी हमारा साथी लोग भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, मजदूर साथी भी इसको इस्तेमाल करता है, बहुत सारा मजदूर साथी भी इस्तेमाल करता है, और वो बाकी सब कुछ देखता है स्मार्टफोन से, और रजिस्ट्रार पढ़ता है नहीं पढ़ता है मालूम नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन से बहुत कुछ देखता है, वीडियो भी देख रहा है। और इस समय में हम लोग क्यों ऑनलाइन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसके बारे में हम लोग काफ़ी गौरव से चर्चा किया, केंद्रीय कमेटी चर्चा किया, हम लोग अलग अलग राज्य में मीटिंग किया, फिर केंद्रीय स्तर पर मीटिंग किया, मीटिंग करके हमने एक ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का एक टीम बनाया, और ये सोशल मीडिया का टीम जो है हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने के लिए भी हम लोग जो है राज्य कमेटी को आह्वान किया है। तो इस स्थिति में हम लोग अगर ऑनलाइन पत्रिका शुरू करेंगे काफ़ी दूर तक हम पहुँच सकता है। अभी हमारा अनुभव क्या है, ये मार्च के बाद जो कोविड का स्थिति में हमने हमारा साथी लोग बहुत अच्छा काम किया, जो हमारा सोशल मीडिया टीम में ज़्यादा लोग नहीं है, जितना भी लोग है बहुत अच्छा काम करने के कारण जो है बहुत दूर तक जो है हमारा विचारों को लेके जाने में हम लोग सफल रहा। फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ऑनलाइन पत्रिका में, वीडियो के द्वारा, कई तरीके से अभी वेबिनार के द्वारा हम लोग जो है अपना पूरा प्रयास को आगे ले जा रहे हैं। तो ये सब ये जो प्रयास क्यों हुआ है, क्योंकि जब तक हम जनता का विचारों के ऊपर परिवर्तन नहीं करेंगे, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट नहीं करेंगे, हम पब्लिक को बदल नहीं सकता है, समाज को बदल नहीं सकता है। दो चीज़ हमको समझना है बार बार जो है, अभी मार्च से लेकर से लेके जो जितना भी हमारा मार्क्सवादी लेनिनवादी टीचर है हमको क्या बोल रहा है, कैसे बार बार समझाया था, जब तक विचारों का परिवर्तन नहीं होगा ये क्रांतिकारी संघर्ष आगे नहीं बढ़ सकता है। और दूसरा, सोवियत यूनियन का पतन के बाद माओ ज़ेडुंग ने बार बार इसको विषय को उठाया था, अगर क्रांति को बचाना है तब भी जो है पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना पड़ेगा, अगर पब्लिक ओपिनियन क्रिएट नहीं करने से क्रांति को बचा भी नहीं सकता है, तो क्रांति करने के लिए भी पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना पड़ेगा, और क्रांति को संभालने के लिए, क्रांति का विकास के लिए भी पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए पत्रिका बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम कितना दूर तक इसको बार बार रिपीट करने के बाद भी हम कितना दूर तक इसको समझता है, इसके बारे में हमको फिर सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा सबका अनुभव हुआ है, हम लोग क्या क्या हम लोग संगठन में जो काम करता है, इस अनुभव का मूल्यांकन करने में मूल्यांकन करते हुए पत्रिका का महत्व समझ करके हमको काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज की स्थिति में पूरा विश्व में हम लोग देख सकता है, खास करके समाजवादी देश में पूंजीवादी ताकत जो है अधिकार का कब्जा करने के उनको
पीछे लेके गया और कम्युनिस्ट आंदोलन को जो संकट का सामना करना पड़ रहा है, इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं एक मार्क्सवादी लेनिनवादी ऑफेंसिव नहीं हो रहा है दुनिया में, है प्रयास तो है, हम लोग सब प्रयास कर रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहा है। हमारा आईकोर का वेबसाइट भी जो है, हमारा पब्लिकेशन सब तो हर महीने में डाल रहा है, उसका वेबसाइट में हमारा हर राज्य का पब्लिकेशन तो आ रहा है। ये सब कुछ होने के बाद भी हम जितना चाहिए उसका 1% नहीं, 0.01% भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। जब तक जनता का अंतर जो विचार है, पुराना विचार है, गलत विचार है, और पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था का जो प्रभाव है, इसको उखाड़ कर नहीं फेंकेगा, कम से कम कुछ दूर तक ये नया समाज के बारे में सोच नहीं सकता है। अगर नया समाज बनने के बाद, मतलब जैसे समाजवादी देश में क्या हो गया, समाजवादी देश में जो परिवर्तन का दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उस समय जो है हर स्टेज में हमको रुकावट को सामना करना पड़ा, क्योंकि पार्टी के अंतर भी जो है घुसते हुए, पार्टी के अंतर जो है दुश्मन का दुश्मन वर्ग का लोग जो है पार्टी के अंतर आकर के वो भी कम्युनिस्ट बना, क्योंकि समाजवादी देश में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है मेनली, तो सब लोग कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गया और शामिल होकर कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर से अपना विचार को प्रयास करके कम्युनिस्ट पार्टी को परिवर्तन कर दिया, अंतर से ही खत्म कर दिया। कोई कम्युनिस्ट पार्टी को बाहर से तोड़ा नहीं है, अंतर से ही तोड़ा है। हम लोग अपना देश का अनुभव भी देख सकता है, हमारा जो देश में पार्टी एक जब एक था कितना संघर्ष आगे बढ़ा था, और उसके बाद पार्टी के अंतर से ही जो है संशोधनवाद आ गया और आकर के जो है पार्टी का विभाजन हो गया। लेकिन वो विभाजन होने के बाद भी जो है जो लोग निकल के आया वो भी जो है एक परिवर्तन का दिशा में आगे बढ़ने के तैयार नहीं था, तब हमको नक्सलवादी आंदोलन करना पड़ा। लेकिन नक्सलवादी आंदोलन करने के बाद क्या हो गया, हम लोग जो है उस समय का ठोस स्थिति का विश्लेषण करने में, उसके अनुसार जन दिशा को स्थापित करने में, हमारा नाम पत्र का नाम जन दिशा है, तो जन दिशा बहुत सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जन दिशा मतलब जनता का दिशा, सब कुछ जनता निर्णय करेंगे, क्रांति भी जनता करेंगे, क्रांति जनता, क्रांति को संभालना भी जनता का काम है। ये जो जन दिशा को लागू करने में हम लोग असफल रहेगा, और हम लोग जो है अधिकार का अधिकार को अधिकार के लिए जो लड़ाई जनता लड़ेंगे, उस जय पर जनता के लिए क्रांति कुछ और लोग करेंगे, क्रांति का कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग बनेंगे, ये ऐसा गलत स्थिति में आ गया। इससे हमको सीखना है, और सीखते हुए जन दिशा में हम लोग वापस आ गए, और जन दिशा में वापस आ गए, आज हमारा जब सबसे बड़ा जिम्मेदारी है जन दिशा को स्थापित करना है। जनता सब कुछ है, ये सब लोग बोलता है, मोदी भी ये बोलता है जनता सब कुछ है बोल करके वो अपना भाषण शुरू करता है, लेकिन क्या करता है, जनता सब कुछ है बोल करके जनता के खिलाफ कॉरपोरेट का काम करता है, साम्राज्यवादियों का काम करता है। अभी हम लोग देख रहा है आज, अभी साथियों लोग जो है क्योंकि ना और सवरा जो देश की स्थिति के बारे में जो बोल रहे हैं, हम लोग जन दिशा का प्रकाशन जब हो रहा है, इस वर्तमान स्थिति क्या है, कि वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है। अभी ऐसा हमारा भारत और चीन का सीमा में बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो गया है। अभी हमारे देश के अंदर जो है कोविड बाधित लोगों का संख्या जो है हर दिन 25,000-30,000 बढ़ रहा है। हॉस्पिटल में जो है दवाई नहीं मिलता, दवाई को छोड़ दीजिए, उनका टेस्टिंग नहीं होता है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कोविड के लिए, कोविड का प्रतिरोध के लिए ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है देश में, उसके लिए खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं है, और कोविड बाधित जनता को रिलीफ करने के लिए कोई प्रयास नहीं है, और गरीब जनता जो भूख से मर रहा है उनको राशन देने के लिए कोई प्रयास नहीं है। लेकिन हमारे सीमा में जो है लड़ाई के लिए एक युद्धोन्माद पैदा कर रहा है, और ये युद्धोन्माद पैदा करने में पूरा आरएसएस परिवार सब लगा हुआ है, वो कितना संगठित तरीका से सोशल मीडिया सहित इस्तेमाल करके वो लोग प्रचार करता है, उनको देखना चाहिए। इसका मतलब कुछ इसमें हमको दुश्मन से भी सीखना पड़ेगा। दुश्मन अभी जो है तो खास करके जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रक्रिया जो शुरू करने के बाद दुश्मन ने एक चीज सीखा है, अगर जनता को विभाजित करेंगे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और कई विषयों को लेकर के नस्लवाद के आधार पर जनता को विभाजित करके
उनको अपना वोट बैंक परिवर्तन में परिवर्तन कर सकता है, हम जो है अधिकार को कब्जा अधिकार के ऊपर कब्जा कर सकता है हमेशा के लिए, और हम क्रांतिकारी संघर्ष को रोक सकता है, ये जो विश्वास में अभी दुश्मन पहुंच गया है। हमारा अनुभव क्या है, अभी 30-40 साल में हम लोग जो है कहां भी कहीं भी ये जो दुश्मन का जो विश्वास जो है इसको तोड़ने में हम लोग सफल नहीं हो गया, क्योंकि हमारा ही गलती है, हमारा गलतियों के कारण जो है दुश्मन का ये स्थिति को तोड़ने में हम लोग अभी तक सफल नहीं हो गया। इसलिए आज हमारा देश भारत एक बहुत बड़ा देश है, 135 करोड़ जनता है, और इस 35 करोड़ जनता के अंदर जो है हमको अगर जाना है, और जैसे हिंदी क्षेत्र में कितना बड़ा जनसंख्या है, इनके बीच में हमको जाना है, कम से कम हमारा कुछ पत्रिका के द्वारा हमको जाना चाहिए, लेकिन वो पत्रिका को ले जाने के लिए हमारा संगठन को मजबूत करने के लिए भी जो है हमको सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हमने निर्णय लिया है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए, और आपने ये पत्रिका निकाला है, अभी हम प्रयास करेगा, हम चित्र प्रयास करेंगे, ये पत्रिका के द्वारा हम लोग जो है हजारों हजारों करके लोगों का पर पूछता है। जब रजिस्ट्रार हम लोग पत्रिका निकालते थे और हम लोग वेबसाइट में डालते थे, हम लोग मैक्सिमम 6,000-7,000 लोगों तक जाते थे, हमारे जो रजिस्ट्रार पत्रिका जो है इंग्लिश और हिंदी, उसका जो पाठक जो है ये हार्ड कॉपी पढ़ने वाला, उसके बाद वेबसाइट में उसको पढ़ने वाला, या हम लोग जो फेसबुक में व्हाट्सएप में डालते थे उसके द्वारा पढ़ने वाला का संख्या बहुत कम था, 6,000-7,000 होते थे। लेकिन अगर हम ऑनलाइन पत्रिका को ठीक तरह प्रचार करेगा, ये हजारों हजारों करके लोग पढ़ सकता है। हम लोग अगर हमारे जितना साथी स्मार्टफोन है इसको इस्तेमाल करेंगे, और स्मार्टफोन इस्तेमाल करना है साधारण लोगों को भी प्रेरणा देगा, तो वो लोग भी पढ़ेगा, इसका बहुत सारा मात्रा में हम लोग पब्लिश कर सकता है। और पत्रिका प्रिंटिंग करके हार्ड कॉपी निकालना जो है खर्च का बात है, अभी ये सस्ता भी है, तरीका सस्ता भी है, और बहुत जल्दी अभी एक मासिक निकालने के टाइम क्या है प्रॉब्लम होता है, एक महीने के बाद हम लोग पत्रिका निकलता है, बहुत आजकल जो दुनिया में समाज में बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा करना होता है, इसके बारे में मूल्यांकन करके हम आ नहीं सकता है। ठीक है, हम मासिक पत्रिका में हम सैद्धांतिक लेख और विश्लेषण सब ज्यादा देंगे, वो पत्रिका निकालना है, और साथ साथ हमको ये साप्ताहिक जो ऑनलाइन पत्रिका में बहुत सारा जो खड़ना होता है उसके बारे में हम लोग का हमारा प्रतिक्रिया क्या है, हम लोग क्या किया है और बाकी लोग क्या कर रहा है उसके ऊपर हमारा टिप्पणी क्या है, ये सब करके हम लोग जो बहुत हर क्षेत्र में हमको पराजित करने के लिए तोड़ने के लिए प्रयास चल कर रहा है, कुछ बहुत दूर तक वो सफल भी हो रहा है। देखिए ये कोविड के स्प्रेड ब्रेकआउट करने के पहले नागरिकता को लेकर के जो संघर्ष चल रहे थे, उस संघर्ष में जो है बहुत सारे लोग कुछ शामिल हो गया था, हम लोग कुछ ऑफेंसिव लिया था, जनता कुछ ऑफेंसिव में आए थे, लेकिन अभी कोविड के नाम से उन्होंने क्या किया, मार्च 24 तारीख को इधर शाहीन बाग में जो संघर्ष चल रहे थे उसको भी खत्म करते हुए, उसके बाद जो कोविड के कवर इस्तेमाल करते हुए ये सिटीजनशिप का क्वेश्चन में जितना संघर्ष में भाग लेने वाला विद्यार्थी युवा महिला सबको गिरफ्तार कर रहा है, तो वो कितना सिस्टमेटिकली काम कर रहा है और सिस्टमेटिकली प्रचार कर रहा है, तो ये हमको देखना चाहिए। इसलिए आज हमारे सामने जो चुनौती जो छोटा नहीं है, बहुत सारा बहुत मजबूत तरीके से हमको हस्ताक्षर करना पड़ेगा, इसमें पत्रिका बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए अभी हमारा काफी साथी लोग नेतृत्वकारी साथी लोग काफी जो हिंदी क्षेत्र में हैं, अगर वो लोग अपना हर महीने में एक कंट्रीब्यूशन मतलब पत्रिका के लिए प्रस्ताव या नोट या कोई विश्लेषण छोटा आधा पेज भी अगर भेज देगा तो आराम से पत्रिका निकाल सकता है, तो पत्रिका का क्वालिटेटिवली भी पत्रिका का विकास होता रहेगा। इसलिए हम क्वालिटेटिव विकास का प्रतीक्षा करके हमको इसको बंद नहीं करना, जितना भी कमजोरियां है तो कमजोरियों के साथ साथ भी हमको इसको पब्लिश करने के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ जनदिशा
एक नया शुरुआत होंगे। हमारा जो प्रचार का अभियान है जैन दिशा एक नया शुरुआत होंगे और सब साथी लोग मिलकर के अभी जैसे अलग अलग भाषा में हम लोग इसको कर रहा है बंगाली में भाषा में जो हर महीने में निकल रहा है बंगाली में अभी हिंदी में अभी निकलना शुरू करेगा ये भी अगर हर महीने में निकालेगा तो बाकी राज्यों के लिए भी प्रेरणा होगा। हर इंग्लिश में हम लोग पहले निकाल रहे हैं इंग्लिश में हम लोग ये ऑनलाइन पत्रिका निकाल रहे हैं अभी बंगाली में शुरू किया वो पाँच सात आठ अंक जो है निरंतर निकाल रहा है और अभी हिंदी भी शुरू करेगा ये भी निरंतर पब्लिश करना शुरू करेंगे बाकी भाषा में भी इसको पब्लिश करने के लिए साथियों को प्रेरणा मिलेगा। ऐसा हम करेंगे पूरा देश में सब भाषा में हमारा ऑनलाइन पत्रिका ऑनलाइन साप्ताहिक या बाई वीकली या मंथली जो भी है कौन की सिचुएशन के आधार पर आपका ताकत के आधार पर निकालेंगे तब क्या होगा। हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हमारा आर्थिक कमजोरियों को भी समझते हुए हम बहुत मात्रा में हमारा विचार को लेके जाने में सफल हो जाएगा। इसलिए अभी हिंदी क्षेत्र में हम लोग जो शुरुआत किया है ये शुरुआत जो काम किया है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी काफी साथी लोग जो है हमारे इस क्षेत्र में है जो इसमें इसको मजबूत कर सकता है और सब लोग इसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इसको मजबूत करेंगे प्रक्रिया को। हमारा प्रदेशा है ये तीन चार अंक के अंदर जो है ये लाखों करके लोग में पहुंचने का अवस्था में हो जाएगा अगर हम लोग ठीक तरह प्रयास करेगा तो हम प्रदेशा करता है सब साथी लोग जो है अपना जितना भी कॉन्टैक्ट है सबको इसको पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए और ऐसे करके करके बांटते ये लाखों करके पहुंचेगा ऐसे एक स्थिति बनाने के लिए हमको पूरा प्रयास करना चाहिए और हम लोग जन दिशा को मजबूत करेंगे और जन दिशा के द्वारा हमारा वर्ग संघर्ष का क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन ये आशा प्रतीक्षा के साथ मैं जन दिशा को प्रकाशन करने का घोषणा एक बार और करता हूँ। सब साथियों को लाल सलाम। अब तक आप लोग सुन रहे थे भाकपा माले रेड स्टार के महासचिव कमरेड जैन रामचंद्रन के भाषण। हमारा हिंदी डिजिटल वीकली साप्ताहिक ऑनलाइन जन दिशा मेहनत कसों की आवाज के विमोचन के अवसर पर वेबिनार चल रहा है। कमरेड जैन रामचंद्रन को धन्यवाद और लाल सलाम। अभी मैं आमंत्रित करूंगा कमरेड विजय को। कमरेड विजय मध्य प्रदेश के राज कमेटी के संपादक है। कमरेड विजय आइए आपका वक्तव्य रखिए। कमरेड विजय हाँ कमरेड आवाज आ रही है? आ रही है ओके। साथियों कॉमरेड्स जो इस पैनल में मौजूद हैं उन सभी साथियों को कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी को सभी को मेरा लाल सलाम। साथ में यहाँ ऑनलाइन फेसबुक ऑनलाइन के माध्यम से फेसबुक लाइव के माध्यम से जो साथी इसको देख रहे हैं उन सभी को मेरा कार्तिकारी अभिवादन और सलाम। साथियों ये कमेंट के ने एक विस्तृत बातचीत उसके पहले दो वक्ता साथियों ने कमेंट तुहिन ने कमेंट सौरव ने ये बात रखी है महत्वपूर्ण है कि आज जब हम ये जन दिशा जो हमारा ऑनलाइन वीकली है जो डिजिटल वीकली है उसको निकालते समय ये एक चर्चा को आयोजित क्यों कर रहे हैं इसका महत्व क्या है ये विस्तार से कमेंट के ने रखा है। इसको जहां तक मेरी समझदारी है इसमें मैं दो तीन बातें ही इसमें जोड़ने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों वैसे तो आज के समय में बहुत सारी मैगजीन है बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं बहुत सारा डिजिटल और ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म्स है जहां पर विभिन्न किस्म के समाचार विभिन्न किस्म की खबरें प्रकाशित हो रही है। उसमें ज्यादातर जो बहुमत संख्या है वो है शासक वर्गीय दृष्टिकोण और चिंतन को प्रचारित और प्रसारित करने वाली चीजों की। जो शासक वर्गीय दृष्टिकोण है उसका जो नजरिया है किसी भी घटना को देखने का खासतौर से हमारा जो देश का शासक वर्ग है जो अमेरिकी साम्राज्यवाद का पिछलग्गु है उसका जूनियर पार्टनर है उसके दृष्टिकोण के आधार पर पूरी चीजों को प्रकाशित करने वाली पत्र पत्रिकाओं मैगजीनों समाचार पत्रों की भरमार है हमारे देश में। ऐसे समय में हम सिपाही वर्ग रेड स्टार लंबे समय से मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहा था हिंदी में और अंग्रेजी में। अंग्रेजी में डिजिटल वीकली भी निकालने की लगातार निकाला जा रहा है।
क्योंकि हिंदी क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर एक बड़ी संख्या में गलत विचारों का प्रभाव है, जिसका हम लोग बहुत बखूबी देख पाते हैं कि इतनी सारी गड़बड़ियों के बावजूद भी लगातार मोदी सरकार जो कर रही है, चाहे वो कोविड 19 से निपटने का मामला हो, चाहे वो चीन और भारत के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है, जो बॉर्डर का बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है उसके आधार पर युद्धोन्माद पैदा करने का मामला हो, चाहे देश के हर रोज बिक्री करने का मामला हो, रेलवे को बेचने का मामला हो, कोल खदानों को बेचने का मामला हो, पूरे देश के हर क्षेत्र में निजीकरण करने का मामला हो, इन सभी मामलों में हम देख रहे हैं कि एक शासक वर्गीय चिंतन लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए एक स्वीकृति जनता के बीच में निर्मित की जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप ये लोग बहुत आसानी से देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश की बिक्री कर रहे हैं और उनको इन सब के बावजूद भी एक व्यापक जन प्रतिरोध देखने को नहीं मिल रहा है। तो सवाल यह है कि इसको और भी थोड़ा समझने के लिए कि मिसाल के तौर पर अभी जो चीन और युद्ध मतलब भारत और चीन के बीच में जो युद्धोन्माद का जो माहौल है, हम सब जानते हैं कि युद्ध कभी भी किसी परिस्थितियों में जनता के हित में नहीं है। हम ये सब जानते हैं कि युद्ध से जो आज संकट हमारे देश का जो बहुत गहराया हुआ है वो और बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, दिन ब दिन लोगों का रोजगार छीना जाएगा, भयंकर भुखमरी पैदा होगी। उसके बावजूद भी इस युद्धोन्माद के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, इस युद्धोन्माद के पक्ष में जनता को खड़ा करने के लिए और एक कथित रूप से जो बहिष्कार चला है चीनी उत्पादों का, उस बहिष्कार में जनता को जोड़ने के लिए शासक वर्गीय मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दिन रात न्यूज चैनलों में, टीवी चैनलों में, अखबारों में चीख चीख के लोग कह रहे हैं कि अभी भारत को जो है सबक सिखाना चाहिए चीन को। हम जानते हैं कि ये विवाद का कारण जो भी हो, लेकिन अंततः जनता को शांति चाहिए, जनता को रोजी रोटी रोजगार चाहिए, जनता को अपनी शिक्षा चाहिए, उनको अपना इलाज चाहिए, जो ये जनता का मांग है, जनता का दृष्टिकोण है। लेकिन ऐसे समय में भी ये युद्धोन्माद का वातावरण पैदा करना एक शासक वर्गीय मीडिया, शासक वर्गीय जो चिंतन है वो जनता के बीच में हावी है। ऐसे समय में जब जैसे कमर्ट केन ने भी कहा कि हर रोज चीजें बदल रही हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नया नया घटना घट रहा है, हम लोग जो पहले मासिक पत्रिका निकालते थे, एक माह के बाद में हमारा दृष्टिकोण, हमारा चिंतन जितना भी सीमित संख्या में भी हम पहुंचा पाते थे, लेकिन पहुंचाते थे, पार्टी की तरफ से दृष्टिकोण पहुंचाते थे, लोगों को क्या क्या आवाज होनी चाहिए, लोगों के क्या मुद्दे होने चाहिए, लोगों का दृष्टिकोण किसी भी घटना को देखने का क्या होना चाहिए, इसको पहुंचाने का प्रयास हम लोग करते थे। लेकिन दोस्तों जैसा हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से लगातार घटनाएं घट रही हैं, लगातार दुनिया में बदलाव आ रहा है, ऐसे समय में एक साप्ताहिक निकालना पार्टी की एक प्रमुख जिम्मेदारी थी, जिसको और खासतौर से हिंदी क्षेत्र में जहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रियाशील और गैर सर्वहारा विचार मौजूद है, जहां ज्यादा से ज्यादा अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवादी विचारों की मौजूदगी है, जहां ज्यादा से ज्यादा सांप्रदायिक और जातिवादी मूल्यों और विचारों की मौजूदगी है, उस क्षेत्र में एक डिजिटल वीकली को निकालना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। निश्चित ही ये प्रयास एक बहुत ही छोटा प्रयास होगा। हम मानते हैं कि इस जो एक बड़े प्रयासों को करने की जरूरत है, एक बड़े पैमाने पर इस प्रकार का डिजिटल ऑनलाइन वीकली साप्ताहिक पत्रिकाएं निकालने की जरूरत है, जो जनता को जनता के बीच में प्रचार का काम करे, संगठित करने का काम करे, उनको जनपक्षीय दृष्टिकोणों के साथ उनका मत बनाने का प्रयास करे। ये बहुत सारी संख्या में इस प्रकार के मैगजीनों और पत्र पत्रिकाओं की जरूरत है। उन्हीं बीच में हमारा एक जनदिशा जो आवाम की आवाज है, इसका एक छोटा सा प्रयास है और हम लोग मानते हैं कि इस प्रयास को हम लोग निरंतर आगे बढ़ाएंगे, निरंतर आगे लेके जाएंगे और इस आधार पर जनता को संगठित करने का खासतौर से हिंदी क्षेत्र में व्यापक प्रयास करेंगे। दोस्तों हम ये भी जान रहे हैं कि इस समय जिस तरीके से कोविड का इस्तेमाल पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतों ने डिजिटलाइजेशन और तकनीकी के अधिकतम उपयोग के लिए, जो साम्राज्यवाद का आज के समय में टूल है, जो नव उपनिवेशीकरण के तहत जब पूरी दुनिया में जब नव उपनिवेशीकरण का शुरुआत हो गया, तो आज नव उपनिवेशीकरण के लिए नए तरीके से पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल, डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल और ये पूरा डाटा पॉलिटिक्स का इस्तेमाल जो है शासक वर्ग कर रहा है। ऐसे में जो
पहले हम लोग तौर तरीके रहा करते थे कि पत्रिकाओं को छापना, जनता के बीच में ले जाना और प्रचार करना, उसमें कई सारे अभी स्थितियां बदली हैं, बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं। आज ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपनी राय अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं। तो उस क्षेत्र में भी दखल देने का एक प्रयास के रूप में इसको देखा जाना चाहिए जनदिशा को। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे शासक वर्ग अपनी रणनीति अपना रहा है, उसी तरीके से मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग, मेहनत कश जनता के नजरिए से कैसी रणनीति, कैसे दृष्टिकोण को अपनाया जाए, उस प्रयास के चलते भी जनदिशा का प्रकाशन हम लोगों ने शुरू किया है। ये पहला प्रकाशन है, इस पहले आज आपको मिलेगा, हमारे साथी सब लोग ऑनलाइन माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों तक ये सब बातें, ये पत्रिका को पहुंचाएंगे और हम लोग और कोशिश करेंगे। लेकिन जो साथी सुन रहे हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से, जो साथी ऑनलाइन सुन रहे हैं इस पूरी बातचीत को, मैं उन पार्टी की तरफ से उन सबसे आग्रह करूंगा कि इस पत्रिका को ज्यादा से ज्यादा व्यापक प्रचार प्रसार देने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। और साथ में ये भी अपील कर हम लोग पार्टी की तरफ से और इस पत्रिका का संपादक मंडल का सदस्य होने के नाते आप सभी से अपील करता हूं कि इस पर कि समय समय पर आप अपना दृष्टिकोण, आपकी जो राइटअप्स हैं, जो आपके लेख हैं, कविताएं हैं, आपके जो जो भी दृष्टिकोण है, जो आपने लिखा है, वो जरूर हमें दें ताकि हम उसको पत्रिका में उसको स्थान दे पाए और उसे छाप पाए। और आपकी भी बात, जो जनता की बात है, लोगों की बात है, हक और हुकूक की बात है, उसको भी पत्रिका के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। इस बात के साथ कि हम सब मिलकर जो आज एक क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका और उसके महत्व को समझते हैं, जो साथी आज जो समझ रहे हैं कि कितना भी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतों के खिलाफ प्रचार हो रहा हो, चाहे वो चीन के नाम पे किया जा रहा हो, जैसा कि कमेंट किया ने बहुत साफ कहा है, हमारा साफ कहना है कि चीन आज एक सामाजिक साम्राज्यवादी देश है, वहां कोई भी समाजवाद नहीं है, वहां पर किसी तरीके की कम्युनिस्ट पार्टी नाम वास्ते है लेकिन वो कम्युनिस्ट जैसा शासन कहीं नहीं है। आज दुनिया भर में जो अमेरिकी साम्राज्यवाद और चीनी साम्राज्यवाद के बीच का जो अंतर्विरोध, जो पूंजी के निवेश को लेकर, पूंजी के निर्यात को लेकर, दुनिया को गुलाम बनाने की प्रतियोगिता को लेकर, दुनिया के अन्य देशों को गुलाम बनाने की प्रतियोगिता को लेकर जो अंतर्विरोध खड़ा हुआ है अमेरिका और अमेरिकी और चीनी साम्राज्यवाद के बीच, उसमें भारत जैसा शासक वर्ग अमेरिकी साम्राज्य के पक्ष, साम्राज्यवाद के पक्ष में खेल रहा है। तो ये देखते हुए हमें समझना चाहिए कि क्या सही दृष्टिकोण है, क्या सही चिंतन है और इसको कैसे जनता के बीच में लेके जाया जाए। इन तमाम कार्यभारों को पूरा करने का काम जनदिशा करेगा, यह हमें विश्वास है संपादक मंडल के सदस्य के नाते। और बाकी तमाम जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं वो हिंदी क्षेत्र में लगातार सक्रिय है, लंबे समय सक्रिय है, इन साथियों की तरफ से मैं आप सबसे जो इस बात को सुन रहे हैं उनसे अपील करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार प्रचारित करें, ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें, अपने अमूल्य सहयोग जो आपके लेख लेखनी के माध्यम से आप दे सकते हैं उसमें सहयोग करें, ताकि हम इसे वास्तव में जनता की पत्रिका, जनता का ऑनलाइन वीकली, जनता का डिजिटल वीकली बना सके। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप सभी साथियों को ने इसको बात को सुना, ऑनलाइन इसमें शामिल हुए, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद कॉमरेड विजय को। अभी भाकपा माले रेड स्टार की हिंदी ऑनलाइन जनदिशा मेहनत कशों की आवाज का विमोचन के अवसर पर आज का हमारा वेबिनार चल रहा है। कॉमरेड के एन रामचंद्रन ने हम लोगों को फिर से बोल्शेविक पार्टी का याद दिला दिया, जिसका का जो काम हुआ था, इसका का जो प्रकाश का उसका भी याद दिला दिया। हम लोग चाहते थे कि इसका उस टाइम को जार का जो शासन चल रहा था रशिया में, जो तानाशाही जार का चल रहा था, इसका का प्रकाश रशिया में हो नहीं पा रहा था, वो स्विट्जरलैंड में उसका प्रकाश ज्यादातर से हुआ था, यूरोप का दूसरा जगह में भी उसका प्रकाश हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे बोल्शेविक पार्टी का पूरे जो नेतृवर्ग उस टाइम जो आरएसडीएलपी था, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का पूरा नेतृवर्ग, ये इसका को प्रस्तुत करते थे यूरोप में। और यूरोप से आज से करीब करीब आप 100 साल से ज्यादा, 100 साल के पहले वो इसका यूरोप
भेजना भी मुश्किल हो जाता था उस टाइम। जो लोग व्यक्तिगत रूप से यूरोप से रशिया आते थे उनका जो सूटकेस था वो सूटकेस पे दो लेयर बना के उसमें गुप्त तरीका से वो इसका रशिया में भेजते थे। ये एक बड़ा काम इसका को लेकर के बोल्शेविक पार्टी ने किया। बाद में जब 1912 साल के बाद जब प्रावधा का प्रकाशन हुई, प्रावधा डेली पत्रिका के रूप से प्रावधा का प्रकाशन बोल्शेविक पार्टी ने किया था। और क्रांति के समय, क्रांति जब होने जा रहा है उस टाइम बोल्शेविक पार्टी के 4 दर्जन से ज्यादा पत्रिका रशिया में था। ये सब हमारे सामने मिसाल है। तो भाकपा माले रेड स्टार की ये कोशिश है ज्यादा से ज्यादा वक्तव्य लेके जनता के बीच लेके जाने के लिए पत्रिका का प्रकाश करे, आयोजित करे। तो जन दिशा मेहनत तक की आवाज हमारा हिंदी डिजिटल के आज विमोचन हो रहा है उसी के अवसर पर आज के वेबिनार में। अभी आप मैं आमंत्रित करूंगा कमरेड विमल त्रिवेदी से। कमरेड विमल त्रिवेदी डेली एनसीआर राज्य सचिव है। कमरेड विमल त्रिवेदी, कमरेड विमल त्रिवेदी आपका माइक बंद है, माइक को खोल लीजिए। स्क्रीन के ऊपर हल्का टच करने से नीचे आप देखिएगा कि बाया साइड में एक आइकॉन आएगा माइक का, रेड कलर का आया। आया कमरेड। सबसे पहले तो इस पत्रिका के लिए जिन लोगों ने अपार मेहनत करके सामने लाए हैं उनको धन्यवाद देते हैं। और हमें कायदे में CPIML रेड स्टार के जो जनरल सेक्रेटरी उन्हें भी धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस बात के लिए काफ़ी प्रेरित किया कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में पत्रिका निकले। धन्यवाद के बाद उन लोगों को भी जो इसमें शामिल हैं उनसे जो बात करनी है वो ये है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने को अगर ये राष्ट्रीय पार्टी कहना चाहती है तो क्या ये संभव है कि हिंदी क्षेत्रों में उस पार्टी का लोग विचार न जाने, उस पार्टी के साथ लोग न जुड़े, फिर भी वो अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहती हो? तो जाहिर है चाहे वो पूंजीवादी पार्टी हो और चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो। तो अगर हमें राष्ट्रीय पार्टी बनना है, अगर हमें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मजदूरों की कोई राष्ट्रीय पार्टी बननी है, मेहनत कशों की अगुवा दस्ते की कोई राष्ट्रीय पार्टी बननी है, तो उसको हिंदी भाषी क्षेत्रों की में हिंदी भाषी क्षेत्रों की समस्याओं को हिंदी भाषी क्षेत्र की आत्मा से जुड़ते हुए हिंदी भाषी क्षेत्र की बात को उठाना पड़ेगा। अब हिंदी भाषी क्षेत्र में 55 करोड़ आदमी रहता है, कई देशों की आबादी से ज्यादा, कई देशों के भूभाग से ज्यादा, और वहां की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में हम हस्तक्षेप कैसे करेंगे? ऐसा है कि दुनिया की जनता, मेहनत कश जनता चुप तो नहीं रहेगी। आप देख भी रहे हैं, अगर कहीं जॉर्ज फ्लॉयड के नाम पर हो रहा है अमेरिका में तो कहीं किसी दूसरी जगह के नाम पर हो रहा है। सवाल ये है कि वो जनता जो चुप नहीं रहेगी उसमें आपका हस्तक्षेप किस तरीके का होगा, और होगा कि भी नहीं होगा? अगर होगा तो ये दुनिया उस तरीके से बदलेगी, उस दिशा में बदलेगी जिधर बदलना चाहिए, नहीं होगा तो ये मेहनत कश आवाम तो चुप नहीं रहेगी, विस्फोट भी होगा लेकिन उसकी दिशा क्या होगी ये कोई नहीं कह सकता है। तो हिंदी पट्टी की जो आंतरिक अंदरूनी जो मनोगत स्थिति है उसको समझना, वहां का जो असंगठित, जैसे इस COVID-19 के अंदर दो चीजें मुख्य रूप से आई। पहली चीज क्या आई कि ये जो एक तौर तरीका हमने बना रखा है अभी तक कम्युनिस्ट पार्टियों ने कि 4% मजदूर जो संगठित वर्ग है उसमें काम, उसको संगठित करना, उसको भी क्रांतिकारी दिशा न दे पाना, और ये जो 96% असंगठित मजदूर है, माइग्रेटेड जो मजदूर है, माइग्रेशन में वो प्रॉब्लम सामने आई, उसको संगठित करने का प्रयास उतनी तेजी से नहीं हुआ आज तक कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा। क्यों नहीं हुआ? जबकि ये सारा असंगठित मजदूर ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर और बिहार तक 200 साल से फैला हुआ, जिसका माइग्रेशन दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।
तो एक माइग्रेशन प्रॉब्लम जिस तरीके से सामने आई उसको संगठित करने की जो जरूरत आज सामने है, दूसरी बात स्वास्थ्य की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के ढांचे की, चरमराए हुए स्वास्थ्य व्यवस्था के ढांचे की असफलता, सारे पूंजीवादी देशों में, सारे पूंजीवादी देश, सारी दुनिया के देशों में और भारत में और खास तौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों में वो चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था वो सामने आ गई। तो हमें इस माइग्रेशन प्रॉब्लम को, इस स्वास्थ्य के अधिकार को प्रति व्यक्ति हर व्यक्ति को सुलभ बनाने के लिए संघर्ष करने के लिए हमें एक ऐसी औजार की जरूरत थी जिससे हम जनता के साथ जुड़ सकें और जनता को अपने साथ जोड़ सकें। अब मैगजीन अगर ये परिवर्तन जो हो रहा है उस दिशा में अपनी कोई भूमिका अगर अदा करेगी, इस मेहनत कश जनता की जो आवाज, जो स्लोगन उसने दिया है, वास्तव में वो मेहनत कश जनता का आवाज बनने की कोशिश करेगी तो इतिहास में उसकी वो भूमिका होगी जो एक मैगजीन की भूमिका होती है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हजारों लाखों ऑनलाइन डिजिटल और छपी हुई मैगजीनें हैं, उस भीड़ में हम भी गुम हो जाएंगे। सवाल ये है कि जो हमारे सामने चुनौती है वो कैसे पूरी होगी। हमारे साथी जो प्रयास कर रहे हैं उसके साथ अगर अवाम जहां हम पहुंच रहे हैं वो भी हमें अगर सक्रिय सहयोग देंगे तो जहां तक हमारी बात जा रही है उनसे हमारा निवेदन है कि इसको आप अपनी पत्रिका बनाने के लिए हमें सहयोग करें। ये कुछ लोगों की, कुछ लोग अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना बने बल्कि हिंदी पट्टी की एक पत्रिका बन सके, इसके लिए हमें जो है आपका सहयोग चाहिए। वर्ग संघर्ष तो तमाम रूपों में हर क्षण होता है। अभी हमारे गांव के पास आप जानते हैं कि विकास विकास वाली घटना हुई बिकरू में, और एक प्रशासन के खिलाफ इतने ज्यादा फायर आर्म्स के साथ, घातक औजारों के साथ 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं, ये भी तो वर्ग संघर्ष का एक रूप है। ये बात अलग है कि वो घटित पूंजीवादी क्षेत्रों में ही हो रहा है, हमारा हस्तक्षेप क्या होगा, हम कैसे इस घटना को देखेंगे। तो अब हमारे सामने चुनौती ये है कि हम वास्तव में एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में, वास्तव में हिंदी पट्टी के सच्चे सवालों को लेकर हिंदी पट्टी की जनता के साथ जुड़ते हुए तमाम संगठन के तमाम जो स्टेटस है, जिनको कहते हैं पट्टियां, तमाम मतलब वर्गों के अंदर वर्ग है, उनके साथ उनके संगठन के रूपों से उनके उनकी उनकी मांगों के अनुसार संगठनात्मक ढांचे खड़े करते हुए हम उनकी बात को अपनी अपनी पत्रिका के मार्फत से उन्हें संगठित करने का प्रयास करें और अपनी चुनौती को जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी पार्टी की आवश्यकता की चुनौती है, क्योंकि तमाम दूसरी राजनीतिक क्रांतिकारी पार्टियां जो अपने को कहती हैं वो इस चुनौती को पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो आज जो ये चुनौती है हमें ये देखना है कि हम उसको पूरा करने में कितना सक्षम होंगे। बस अगर हम इसमें अपनी भूमिका निर्वाह कर पाते हैं तो इसका मतलब है इतिहास की गति में हमने सकारात्मक अपना योगदान किया है। हम इतनी बात कहकर आप सबको दोबारा धन्यवाद देते हैं और अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद कॉमरेड बिमल जी को। कॉमरेड बिमल त्रिवेदी दिल्ली एनसीआर के राज्य सचिव है। अभी मैं आमंत्रित करूंगा कॉमरेड बाबूराम जी को। कॉमरेड बाबूराम शर्मा उत्तर प्रदेश की राज्य सचिव है। कॉमरेड कॉमरेड बाबूराम शर्मा बाबूराम शर्मा लाइन में नहीं है, तो हमारा बाबूराम नहीं है अभी नहीं है बाबूराम, अभी दिख नहीं रहे। अच्छा ठीक है, आपका कोशिश आएगा बाबूराम शर्मा को जोड़ने का। कॉमरेड वशिष्ठ तिवारी, कॉमरेड वशिष्ठ तिवारी झारखंड के संपादक, इस बीच मैं कॉमरेड वशिष्ठ को आमंत्रित करूंगा। कॉमरेड वशिष्ठ तिवारी झारखंड के संपादक, आप अपना विचार रखने के लिए। कमरेड वशिष्ठ, वशिष्ठ भी नहीं है क्या? कमरेड वशिष्ठ
तिवारी, हाँ हाँ कॉमरेड बसी, कॉमरेड तिवारी, तो हाँ हाँ बसी जी आपका माइक बंद है, माइक आपका बंद है, आपका माइक खोल लीजिए, आप स्क्रीन के ऊपर हल्का टच करने से पीछे देखिए बाया तरफ एक आइकॉन आएगा रेड कलर का, हल्का टच कीजिए तो बाया तरफ में एक आइकॉन आएगा रेड कलर का, उसके ऊपर टच कीजिए। हेलो हेलो, आ रही आ रही आवाज, ठीक बोलिए। आज इस जन आदेश पत्रिका के विमोचन पर अभी हमने जन दिशा के विमोचन पर भाकपा माले रेड स्टार के महासचिव के रामचंद्र जी का वक्तव्य को सुना और अन्य साथियों का भी सुना। इसमें जुड़ना ये साथियों की जो पूर्व में हमारी पार्टी के जो मुखपत्र इंग्लिश और हिंदी में रेड स्टार था उसकी इतनी सारा गर्भित और जटिल भाषाओं का जो इस्तेमाल होते रहा जिसको हिंदी पट्टी के बहुत सारे हमारे साथी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि जो हमारा जनदिशा है इसमें भाषाओं पर ध्यान दिया जाए। अभी कमरेड विमल जी कह रहे थे कि किसी भी क्रांति और किसी भी सर्वहारा की पार्टी बनाने के लिए और उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं का, उनकी भाषा का, उनकी संस्कृति का ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि अपनी भाषा में जो उनको समझ आएगी वो एक माइग्रेटेड भाषा में वो समझ नहीं पाते, है ना। जो रेड स्टार हिंदी और इंग्लिश में वो एक कठिनाई थी हमारे हिंदी पट्टी के अंदर में, और हिंदी पट्टी जो उन्होंने कहा कि 55 करोड़ का एक पॉपुलेशन है, वास्तव में 55 करोड़ की पॉपुलेशन एक मायने रखती है। और कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को बात को लेकर हम इतिहास को भी दोहराएं तो हिंदी पट्टी एक फर्टिल कम्युनिस्ट आंदोलनों के लिए रहा है और आज भी है, क्योंकि जिस सर्वहारा की बात मैं करता हूँ वह है बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं वह या दिल्ली में हों या गुजरात में हों या जहाँ भी औद्योगिक चीज़ें हैं वहाँ पर ये भरे पड़े हैं। और जो अभी परिस्थिति में जो COVID-19 के आधार पर जो माइग्रेशन हुआ है, जो मजदूरों के साथ में जो उनकी पीड़ा हुई है, जो मजदूर रोड पर मरे हैं, जो लॉकडाउन में बिल्कुल उनकी परेशानियां हुई है, उस परेशानियों से एक जनता में हिंदी पट्टी में गुस्सा है और उस गुस्सा को हम किस तरह से अपने पक्ष में ला सकते हैं उसके लिए इस पत्रिका के माध्यम से हम जा सकते हैं। और ये पत्रिका एक हमारे लिए माध्यम होगा कि हम उन मजदूर वर्ग के अंदर में, किसान वर्ग के अंदर में और मेहनत कसरवारा के वर्ग में कैसे जाए, तो उस तरह से पत्रिका का हमारा तैयारी भी होनी चाहिए और इसका सर्कुलेशन हम लोग ऑनलाइन करें और जितने भी व्हाट्सएप से जुड़े हुए हमारे साथी हैं उनको भी हम लोग देंगे। और ये सारे चीज़ों की स्थिति है, जो भी बात चल रही थी कि COVID-19 से आज 100 दिन से ऊपर हो गए, अभी हमारे क्षेत्र में भी वही स्थिति है, जुलाई तक कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, जुलाई तक न बसें चलेंगी, आखिर जनता खाएगी क्या। आप 5 किलो अनाज की बात तो मोदी ने तो जरूर कहा, तो जो जो उन्होंने मौन मन की बात कहने के लिए जब जब मीडिया पर आए, जब जब उन्होंने लॉकडाउन की बात कहने के लिए मीडिया पर आए, उन्होंने एक शब्द यह नहीं कहा कि मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग, किसान वर्ग और जो मेहनत कर जनता है उसके लिए क्या होगा। उन्होंने लोगों से प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में भी पैसे लिए, उसका आप स्थिति देख रहे हैं कि पूरे मीडिया पर छाया हुआ है, और मजदूरों की जो स्थिति है 5 किलो अनाज से नहीं चलेगा, जो हम लोगों ने मांग किया है कि भाई कम से कम 10,000 रुपया हर परिवार को, 40 किलो अनाज हर परिवार को, और उनके लिए कम से कम 100 दिन की गारंटी जब की होनी चाहिए, जिस पर 500 रुपया कम से कम उनको पर डे मजदूरी मिले। अगर ऐसा होता है तो मजदूर जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो जिस प्रकार से डेली डिप्रेशन में मजदूरों का, युवाओं का जो सुसाइड करने की स्थिति चल रही है ये बहुत ही दयनीय है और ये निंदनीय भी है सरकार को। और सारी गलतियों को जो मोदी 2 की जो गलतियां हैं, 1 की गलतियां को तो इन्होंने खत्म कर दिया, 2 की जो गलतियां हैं उसको छिपाने के लिए आज चाइना से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से ये युद्ध की स्थिति पैदा करके अपने पड़ोसियों के साथ में अपने रिश्ते को खराब किया गया है कि जनता को तमाम ध्यान को हम
केंद्रित कर सके उस युद्ध के आधार पर। हमारी जितनी भी गलतियां हुई है, हमने जितने लूट किया है देश के अंदर में, इन तमाम लूट को छिपा सके और हम जनता के केंद्र कर सके पाकिस्तान बॉर्डर पर, केंद्र कर सके चाइना बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर, भूटान पर, बांग्लादेश पर, ताकि बिहार और बंगाल के चुनाव में जनता हमारे साथ हो जाए। या ऐसा कह दे जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अपने हाथों में रखा है, राष्ट्रपति को अपने हाथों में रखा है, तमाम संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया को उन्होंने हाथों में रखा है, तो वो ऐसा भी घोषित करा सकते हैं कि मोदी जी अब चाइना की तरह से ये भी हमारे लगातार प्रधानमंत्री रहेंगे। तो इन बातों को हमें इस पत्रिका के माध्यम से जनता के बीच लाने की जरूरत है कि यह क्या है। जनता नहीं समझ पा रही है, हिंदी पट्टी एक जड़ जनता है और ये रूढ़िवादिता यहाँ कुट कुट कर भरी हुई है और उस रूढ़िवादिता से लड़ना एक बहुत बड़ा संकट भी है। यहाँ पढ़े लिखे भी लोग कुछ जाहिल है, जिनको यह बात समझाना कि बात क्या है वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको यह बात मीडिया के द्वारा, हमारे कोई साथी कह रहे थे कॉर्पोरेट मीडिया जो है जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार कर रही है, वो भ्रामक प्रचार जनता मीडिया देखती है, टीवी देखती है। और कोविड 19 में जो 100 दिन जनता घर में रही है वो उसी चैनलों को देखी है जिसमें मोदी दिखता है, तो उन्हीं बातों को समझी है जो मोदी बोलता है, उन्हीं बातों को समझी है जो मोदी के लिए मीडिया बोलती है। आज जिस प्रकार से इस सोशल मीडिया पर, जिस प्रकार से उन चैनलों पर गाली गलौज अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, आप सोच सकते हैं कि ये देश कहाँ जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये जो पत्रिका होनी चाहिए, तमाम चीजों को खुलासा करने वाली पत्रिका होनी चाहिए और इसकी ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और पूर्ण रूपेण इस फांसीवादी शक्ति को, चरित्र को उजागर करना चाहिए। और कौन ऐसी परिस्थिति हुई कि हम पूरे पड़ोसियों के दुश्मन बने हैं या पड़ोसी हमारे दुश्मन बने हैं, इस पर एक चर्चा होते हुए इस पत्रिका को लेकर हमें क्षेत्र के अंदर जाने की जरूरत है, लोगों के बीच जाने की जरूरत है, प्रगतिशील बुद्धिजीवी सरवारा के बीच जाने की जरूरत है और इसके सरल से सरल भाषाओं में, हिंदी पट्टी में इसको तैयार करके हमें भेजने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता इसको पढ़े, ज्यादा से जनता को ये बात समझ में आए कि आज हमारा देश, आज ये विश्व किस स्थिति में है। आज सोशल मीडिया पर कम्युनिस्टों को गाली लिखा जाता है, अभी हमारे साथी ने कहा कि चाइना आज कम्युनिस्ट देश नहीं रह गया, वह एक साम्राज्यवादी देश अमेरिका की तरह से एक देश हो गया। सच्चाई यही है कि जो यह गलत विस्तारवादी नीति अपनाना शुरू कर दिया है, दूसरे राष्ट्र को जमीन को छीनना, दूसरे राष्ट्र पर दमन करना, वो तो अमेरिका भी करता है, वो चाइना भी करता है। तो हम यह डिफरेंस करें कि जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, CPIML, रेड स्टार या अन्य ऐसे जो क्रांतिकारी पार्टियां हैं, और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये दोनों में क्या फर्क है, जब ये हम बताएंगे नहीं तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से तुलना भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की होगी और हमारे साथ में लोगों का जो डिफरेंसेस होगा वो डिफरेंसेस बढ़ेगा, क्योंकि RSS का जो चैनल है, सत्ता का जो चैनल है, कॉरपोरेट का जो चैनल है, वो जानता है कि आज भी कोई लड़ने वाली ताकत है, आज भी कोई विपक्ष की कोई ताकत है, आज भी सरवारा की कोई पार्टी है, आज भी सरवारा की बात, मजदूरों की बात करने वाला और सच्चा रूप से लड़ने वाला कोई है तो वह कम्युनिस्ट है और वो कम्युनिस्टों से उसको भय है। तो जिन जिन लोगों से उसे भय है उसकी वो प्रचार मीडिया पर कराता है, इस देश के लिए, हिंदुत्व के लिए अगर कोई खतरा है तो मुस्लिम्स है, वह कम्युनिस्ट है, वह क्रिश्चियंस है, वह इस तरह से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वह प्रचार कर रहा है। उस परिस्थितियों में हमारी प्रचार इस पत्रिका के माध्यम से है, इस अपने मुखपत्र के माध्यम से जनता के बीच में अपने को बताना पड़ेगा कि हम एक सच्चा देशभक्त लोग हैं जो मजदूरों के लिए, सर्वहारा के लिए, किसान के लिए हम लड़ने वाले हैं, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ने वाले हैं। और ये पत्रिका यदि हम उस रूप में ला सके, प्रचार कर सके, जो हमारे महासचिव ने कहा कि लाखों लाखों लोगों के बीच ये जानी चाहिए, अगर हम लोग पहुँचाने में सक्षम हुए तो निश्चित रूप से ये पत्रिका हमारी पार्टी के लिए जो मुख पत्र बना है ये बिल्कुल हमारे लिए सार्थक होगा, हमारी पार्टी के मूल सिद्धांतों को, पार्टी के उद्देश्यों को और पार्टी के जो कार्यक्रम है उसे जनता तक पहुंचाने में सक्षम होंगे,
तभी जाकर हम इसको एक सर्वारा की पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी हम बना पाएंगे, क्योंकि हिंदी में पट्टी में हमारे लोग, हमारे जनता अगर ये बात समझेगी तो एक लड़ाकू जनता है और वो एक बहुत बड़ी हमारे साथ आएंगी। और इस आशा में मैं इस आज के इस प्रकाशना के लिए जो वेबिनार हो रहा है इसमें भिन्न भिन्न राज्यों के राज्य सचिव, हमारे संयोजक और हमारे संचालक और हमारे पार्टी के महासचिव के एन रामचंद्रन जी उपस्थित हैं। मैं तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन लाल सलाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। लाल सलाम। धन्यवाद कॉमरेड वशिष्ठ तिवारी को। कॉमरेड बाबूराम जी शायद आ नहीं पाए कोई टेक्निकल रीजन के कारण, जो है कि कॉमरेड बाबूराम शर्मा उत्तर प्रदेश के राज्य सचिव है, उनको भी आज का वेबिनार में भाग लेने का था लेकिन वो उसके साथ हमारा जोगाजोग नहीं हो पाया। तो अभी हमारा सारे वक्तागण हमारा वेबिनार में अपना वक्तव्य रखे हैं। अभी संचालक होने के नाते दो चार बात हम जो हमारा साथी, हमारा दोस्त, जो कॉमरेड हमारा ये वेबिनार लाइव में फेसबुक में, फेसबुक लाइव में और दूसरा मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं सबको, हम लोगों का ये निवेदन है साथी, अभी बहुत ही गंभीर स्थिति में हमारा जो हमारा देश गुजर रहा है, हमारा देश के आर्थिक स्थिति एक भयंकर जगह में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोविड के कारण हमारे देश के आर्थिक स्थिति में संकट पैदा हुआ, कोविड के पहले से ही हम लोग जानते हैं कि कोविड के पहले से ही हमारे देश में आर्थिक संकट था। हमारे देश में ही खाली नहीं, पूरे दुनिया में 2008 साल के बाद जो आर्थिक संकट पैदा हुई पूंजीवादी वित्त नीति के कारण, उसका जो दौर चल रहा है, तो हमारे देश में भी ये संकट था और कोविड के पहले ये संकट बहुत ही बड़े चेहरा लेकर के सामने आ रहा था। आप लोगों को याद होगा कि जब चिदंबरम को अरेस्ट किया गया था, चिदंबरम हमारे पहले कांग्रेस के वित्त मंत्री थे, तो चिदंबरम को जब अरेस्ट किया गया था, तो जब चिदंबरम जाते जाते जब वो पुलिस कस्टडी में उसको लेके जा रहे थे पुलिस, तब वो जाते जाते वो पांच अंगली ऐसे पंजा दिखा रहे थे कांग्रेस ये भाजपा सरकार को ठेस पहुंचाते हुए, वो एक पंजा दिखाते थे, तो उसका मतलब 5%, तो 5% हमारा जो जीडीपी वो 7.5 से 5% में वो घट गया था। तो उसके बाद हम लोग देखा कि हमारा जो जीडीपी का जो ग्रोथ है, जीडीपी का जो वृद्धि है, वो 5% से भी और नीचे बहुत ही तेजी से नीचे जा रहा था। उस बीच आया कोविड, कोविड आने के बाद जो संकट तैयार हुआ पूरा देश में, उसमें आप लोग जानते हैं कि 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। हमारा देश का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो घट रहा है, हमारा देश का सारे वित्त नीति के सारे सेक्टर जो है, सारे हिस्सा जो है वो संकुचित हो रहा है, और ऐसा होने का बहुत बड़ा संभावना है कि आने वाले दिन में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ वो माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब हमारा जो भी इकोनॉमी है वो इकोनॉमी बढ़ेगा नहीं, इकोनॉमी घटेगा, ऐसा बहुत बड़ा संकट में हम लोग अभी घुस रहे हैं। इस बीच हम लोग देख रहे हैं कि हजार किलोमीटर चल करके, पैदल चल करके, चाक के पीछे चल करके जो मजदूर घर में आया, ऐसे ही एक मजदूर बिहार में 3 दिन पहले सुसाइड किए हैं, क्योंकि आने के बाद उनको ना तो कोई रोजगार रहा, ना
उनके सामने कोई रोजगार नहीं है, कोई आशा नहीं देखते हुए वो सुसाइड कर रहे हैं, तब हमारे देश में बहुत सारे संपर्क है। ये 1% जो लोग हैं हमारे देश में उसके हाथ में जमा हुए, 63 लोगों के हाथ में, हमारे देश का 63 लोगों के हाथ में 30 लाख करोड़ का संपद जमा हुआ है, जो हमारे देश का एक साल का बजट से भी ज्यादा है। हमारे देश का 300 लाख करोड़ रुपया जो ब्लैक मनी के रूप से दूसरी मुल्क का बैंक में पड़ा हुआ है, जो लाने का वादा करके नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता पे आए थे, बाद में जिसको झूला घोषित किया गया, तो ऐसा स्थिति में हमारे देश गुजर रहा है। और यहाँ से जो जनता का जो दृष्टि है इसको हटाने के लिए अभी सीमांत पर जो चीन के साथ जो जो वॉर मंगरिंग चल रहा है, झूठ का जो दमामा बजाने का कोशिश हमारा सरकार कर रहा है, वो भी कैसे चल रहा है, जो सोशल मीडिया में जो लोग हैं सभी जानते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री एक फॉरवर्ड पोस्ट, लड़ाई का एक फॉरवर्ड पोस्ट में जाने के नाम पर एक टूरिस्ट स्पॉट में जाकर के हाजिर हुई और वहाँ पे एक बनाया हुआ जो हॉस्पिटल में परिदर्शन करके वापस आ गया। तो ऐसा जो स्थिति में लेकर के सब लोग समझ रहे हैं कि कैसे नाटक चल रहा है, क्योंकि हमारे देश का जो गरीब मर रहा है उनका जो हटाने का कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। तो इसका खिलाफ में हमारा पार्टी का जो काउंटर कैंपेन जिसको बोला जाता है, जो ये काउंटर कैंपेन को मजबूत करने के लिए हमारा जो पत्रिका, हमारा जो प्रोपागंडा, वास्तविक लोग जिसको एजुकेशन एंड प्रोपागंडा के रूप में देते थे, ये मजबूत करने का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पे है। तो इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए आज जन दिशा मेहनत कशों की आवाज, ये हिंदी डिजिटल का प्रकाश हो रहा है। ये मैगजीन बहुत ही जल्दी, हमारा वेबिनार खत्म होने के बाद बहुत ही जल्दी हमारा जो वेबसाइट है ये वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। हमारा जो फेसबुक है सेंट्रल सीपीएमएल रजिस्टर, भक्का वाले रजिस्टर सेंट्रल फेसबुक पेज है, इसमें अपलोड किया जाएगा। और आज से शुरू हो रहा है जन दिशा मेहनत की आवाज, हमारा हिंदी डिजिटल पत्रिका। आशा है, हम लोगों का ये प्रतीक्षा है कि आने वाले दिन में हिंदी क्षेत्र में, ये हिंदी क्षेत्र हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये क्षेत्र में हमारा वक्तव्य को लेकर जाने के लिए पार्टी का जो प्रोपेगेंडा, पार्टी का काउंटर कैंपेन जो है इसको मजबूत करने के लिए हमारा पत्रिका आने वाले दिन में बहुत ही अच्छा काम करेगा। हम लाल सलाम चलाते हैं जो संपादक मंडली ने इसको प्रस्तुत किया है, और ये संपादक मंडली के बाहर में भी बहुत सारे कॉम्रेड है, मैं जानता हूँ सभी लोग जानता है कि जो लोग ये पत्रिका को प्रस्तुत करने के लिए पीछे रह के ये काम किया है, ये सारे कॉम्रेड को लाल सलाम चलाते हुए आज के वेबिनार में भाग जो लोग लिए हैं सबको लाल सलाम चलाते हुए, हमारा जो साथी दर्शक बंधु और कॉम्रेड लोग, हमारा जो वेबिनार का जो लाइव सुन रहे हैं सारे दोस्तों को लाल सलाम जाना चाहिए। आज का वेबिनार हम लोग यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। लाल सलाम, भाकपा माले रजिस्टर, जिंदाबाद, लाल सलाम। कॉमरेड तुहिन कुछ बोलेंगे? माइक बंद है आपका, माइक बंद है कॉमरेड? हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो अपनी पत्रिका तैयार हुई है जन दिशा मेहनत कशो का ऑनलाइन सारे साथियों को भेज रहा है, ठीक है, और साथी इसका अधिक से अधिक प्रचार कर रहे हैं, तुरंत हम इसका भेज रहे हैं, ठीक है। ओके गवर्नमेंट, हाँ पूरा तैयार चीज को भेज, हाँ क्रांतिकारी अभिनंदन, ठीक है। ओके, पानी गिर रहा है क्या बाहर? तो बंद करके अपन भेजना चालू करे तो अभी क्या कर दू?